दोस्तों बेचारे आरिफ के साथ मुश्किलें घटने का नाम ही नहीं ले रही दोस्तों। तो दोस्तों हम देखिए आपको लाइव जो है कानपुर चिड़ियाघर में सारस को दिखा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों ये देखिएगा, ये सारस है, यहाँ पर देखिए कितना शांत मुद्रा में खड़ा हुआ है दोस्तों। इस बेचारे को आखिर किसकी याद आती होगी दोस्तों, तो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि आरिफ उधर रो रहे हैं और सारस भी यहाँ दाना पानी नहीं खा रहा है। तो दोस्तों कितनी दुख भरी कहानी है सारस और आरिफ के बीच में, ये बयां नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए कितना ज़्यादा गुस्सा रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा रहा है ये दोस्तों कि आखिर हमें अब कैद क्यों कर दिया गया दोस्तों। क्योंकि आरिफ के पास जब ये रहता था तो ये स्वच्छंद वातावरण में घूमता था दोस्तों, इस तरह घूमता था, नाचता था, कूदता था और मोटरसाइकिल के साथ साथ आरिफ के भाई के साथ दौड़ता था दोस्तों। आरिफ भाई के साथ खाना खाता था, दाल चावल रोटी खाता था दोस्तों, चाउमीन खाता था, तो इस प्रकार से इसका खान पियन था। आज दोस्तों उसे कीड़े मकोड़े यहाँ पर हैं और कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, इसलिए इतना ज़्यादा दुखी है। देखिए दूसरे यहाँ का जो सारस है वो किस प्रकार से चुन रहा है, परंतु इसे किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ये शांति से खड़ा है और आरिफ की याद में दोस्तों इतना ज़्यादा परेशान है कि देखिएगा। और इसी के बगल में एक पक्षी मोर है जो किस प्रकार से डांस कर रहा है, आखिर इसको किस बात की खुशी मिल गई दोस्तों कि हमारे सहयोगी एक और आ गया, इसलिए ये डांस चालू किए है दोस्तों। तो ये क्या, आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों कि आखिर सारस को आरिफ को दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए दोस्तों, परंतु आप बताएंगे और कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं कि आखिर आरिफ के साथ गलत किया गया या सही किया गया, तो आप लोग ज़रूर बताएं। तो देखिएगा कितनी अच्छी तरह से यहाँ का सारस जो है चुन रहा है, परंतु बेचारा आरिफ का सारस किस प्रकार से एक पिंजड़े में आज कैद कर दिया गया है दोस्तों। जिस दिन से अर्थात 21 मार्च से उसे अच्छी तरह से उसका जीवन छीन लिया गया है दोस्तों, उसका जीवन छीन लिया गया है दोस्तों। किस प्रकार देखिएगा बेचारा चल रहा है, पैर में भी कोई दिक्कत है दोस्तों, देखिए लंगड़ा रहा है किस प्रकार से। तो दोस्तों आरिफ का सारस बहुत ही ज़्यादा दुखी है और चिड़ियाघर में, कानपुर चिड़ियाघर में आकर के ये बहुत ज़्यादा परेशान है। और हम क्या बताएं दोस्तों, ये आखिर क्यों छीना गया, इसकी तो दोस्तों नींद ही उड़ गई दोस्तों। जब से समस्तपुर पक्षी विहार अर्थात अमेठी गांव से, मंडका से, आरिफ के गांव से पहले समस्तपुर पक्षी विहार गया, उसके बाद उसे 25 तारीख को इसे जो है समस्तपुर पक्षी विहार से उन्नाव होते हुए कानपुर लाया गया दोस्तों। दोस्तों किस प्रकार से बेवकूफ बनाया गया कि गाड़ी लखनऊ की लाया गया कानपुर, आखिर क्या कारण था, आखिर क्या रीजन था कि आ जाती दोस्तों। तो दोस्तों हम चिड़ियाघर में घूम के आप सबसे पूछेंगे और बताएंगे और आपको दिखाएंगे दोस्तों, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पूछने जा रहे हैं कि आखिर आरिफ का सारस यहाँ आया है, कौन है कौन नहीं है, उसकी सारी बातें आपको बताऊंगा, देखिएगा इस वीडियो में। आपको क्या लगता है यहाँ पे जो आरिफ वाला सारस है ये वही सारस है या दूसरे सारस? नहीं, ये वो नहीं, वो रखा है कहीं और। तो वो सारस कहाँ हो सकता है आपको क्या लगता है? कुछ दिन बाद अभी आए, कल वहाँ समस्तपुर पक्षी विहार से यहाँ आया है सारस। यहाँ लाया गया 15 दिन के बाद, यहाँ पर उसको ला करके मनोरंजन के दृष्टि से रखा जाएगा। अभी उसको सेव करके उसको शायद वो मतलब कि बाहर निकल गया था ना। अच्छा अच्छा। तो कुत्तों तो लोगों ने घायल कर दिया था, तो उसकी अभी वो चल रही है मेडिकल इलाज चल रहा है। हाँ, यहीं पर। तो ये वाले सारस नहीं है फिर? ये वो नहीं, ये पहले के। तो दोस्तों आप लोगों ने जैसा देखा कि भैया ने बताया कि वो सारस नहीं, जो ये बाहर खड़ा ये वाला, तो ये दूसरा है, ये भी नहीं है। और भाई लोग कह रहे हैं कि अभी उसको घायल है, चोट बहुत ज़्यादा लग गई उसके, हमला हुआ है, कुत्ता उत्तों ने काट लिया है, मगर ये सारस इसमें से जो आरिफ वाला सारस है ये सारस नहीं। यहाँ पे 4 सारस आपको दिखाई दे रहे हैं इस पिंजरे के अंदर, 3 पैक हैं
और एक बाहर छुट्टा है। तो दोस्तों वो वाला सारस जो है ये यहाँ पे अभी नहीं लाया गया है, कुछ दिन के बाद लाया जाएगा देखने के लिए। हाँ 15 दिन भैया बता रहे हैं, 15 दिन के बाद ही यहाँ पे उस सारस को लाया जाएगा। तो अभी यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन पे सारस को नहीं लागे। अच्छा ये बताइए, जो सारस और आरिफ की जो दोस्ती तोड़ी गई है उसके पीछे आपको क्या लगता है, सारस का जो मतलब उनको गलत हुआ या सही हुआ, आपको क्या क्या सोचते हैं इसके बारे में? अब एक प्रकार से देखा जाए कि ये गलत भी है, क्योंकि लाकर के यहाँ पर मनोरंजन की दृष्टि से रखा जाएगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि शायद उनका जब तक वो जोड़े में रहते हैं जी जी तभी तक से वो सेफ रहते हैं, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये। मगर आपने आरिफ और सारस की दोस्ती देखी, वो एक दूसरे के साथ खाते पीते थे, रहते थे, रात दिन खाना खाते थे एक थाली में, और उनको इस प्रकार से जुदा कर दिया जाता है, ये आप ये एक प्रकार से गलत भी है। अगर यदि अभी तो मुझे खैर एक्चुअली ये बात मतलब जागरूक रूप से जानकारी नहीं है कि जोड़े में जिंदा रहते हैं या मर जाते हैं जी जी, यदि ऐसी बात है तो एक प्रकार से सही भी है, लेकिन हाँ ये है कि जब वो इतना बेहतरीन दोस्ती करके उसका जान बचा करके रखा हुआ था जी जी, उसको यहाँ पर ला कर कैद करना ये उचित नहीं है, ये कहीं ना कहीं आरिफ और सारस के लिए गलत हुआ है। दो क्योंकि सारस को जिस हालात में खेत में पाया था आरिफ ने, वो घायल पड़ा हुआ था, उसके पैर में चोट लगी हुई थी, वो चल भी नहीं पा रहा था, आरिफ ने उसके इलाज करवाया, दवा करवाई, उसको 2 से 3 महीने अपने घर पर रखा, और जब उस धीरे धीरे सही हो गया, उसके साथ रोज़ सुबह दौड़ने भी जाता था, तो आज उसकी दोस्ती तोड़ दिया, तो आरिफ बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो जब एक मतलब वो जो सारस को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे आरिफ, और बहुत चाहते थे रात दिन उसके साथ ही रहते थे, मगर अब उनके पास नहीं है, तो आरिफ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जो जब उनका सारस छिन गया है? गलत हुआ है, अगर यदि वो कभी यहाँ पर आएंगे जी जी तो खुद ही आप यहाँ पर एक दृष्टि दिखेगा जिससे पता चल जाएगा कि वह सारा खुद ही यहाँ पर आकर के खुश है या दुखी है। तो आरिफ अगर यहाँ पे आते हैं तो सारा उनके पास आ जाएगा, आपको क्या लगता है, नहीं आएगा? जी हाँ, मुझे तो पूरा विश्वास है, अगर यदि वह उन्हें देखेगा तो वो उन दोनों के प्रति इतना बेहतरीन फ्रेंडशिप है, 100% ये श्योर है कि वो आकर के बिल्कुल जो है कि कहीं ना कहीं दृष्टि सभी को देखने को मिलेगी। तो भैया जी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे बताया सारस और आरिफ की दोस्ती को लेकर के, इन्होंने बताया कि आखिरकार सारस और आरिफ की दोस्ती जो तोड़ी गई उसके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप लोग देख सकते हैं ये सारस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे 4 सारस आप लोग देख ही रहे हैं सामने, मगर जो भी ये दोस्ती को तोड़ा गया उनके साथ, सभी लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ है आरिफ और सारस की दोस्ती के साथ में। तो दोस्तों अभी हम आपको अगर और कुछ भी अपडेट मिलती है तो ज़रूर बताएंगे। तो अभी देख सकते हैं हम लोग सारस के ही वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे शूट कर रहे हैं, पहचान रहे हैं कि आखिरकार कौन सा सारस हो सकता है, ये है वो है कौन सा है, क्योंकि हमें अभी एग्जैक्ट विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पे सारस है या नहीं है। तो दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं, इसके पैर में चोट लगी, आरिफ वाले सारस के उसके पैर में चोट लगी, उधर लंगड़ा रहा है वो, हाँ हाँ वो उधर जो खड़ा है उधर ही वाला है जिसके पैर में चोट लगी, जो सारस कल लाया गया है पैक करके उसमें गाड़ी में, वो यही ये वाला सारस है जो उधर साइड में उसके पैर में एक पैर के बल वो खड़ा हो रहा है, वो उधर वाला उसके पैर में जो चोट लगी ना, तो पूरे बराबर खड़ा नहीं हो पाता दोनों पैर से, खेत में मिला था हमारा पड़ा हुआ खेत में। तो दोस्तों आपने वीडियो में सुन ही लिया होगा, देख ही लिया होगा कि आखिर ये सारस आरिफ वाला है या नहीं है, आखिर आरिफ का सारस अगर ये नहीं है तो वो कहाँ है। तो आपने पूरी तरह से वीडियो में सुन ही लिया होगा कि दोस्तों उसे 15 दिन के लिए क्वारंटाइन अर्थात उसका इलाज चल रहा है, तो उसे जो है अभी अलग रखे हुए हैं, जैसे 15 दिन पूरे होंगे तो उसे उसके समाज से जोड़ दिया जाएगा, और जिससे सब लोग उसको
देख पाएंगे और फिर आप लोग देख लेंगे कि कौन सा सारस था जो आरिफ से इतनी ज़्यादा दोस्ती करता था। तो आप लोग 15 दिन बाद कानपुर चिड़ियाघर में आएं और आरिफ के सारस का दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों ये देखिएगा, ये भी बहुत शांत रहा और बुलाने पर आ जाता था, तो इसलिए हम सोच रहे थे दोस्तों कि यही होगा आरिफ का सारस। परंतु यहाँ के लोगों से जब पूछा तो ये पाया दोस्तों कि ये आरिफ का सारस नहीं दोस्तों, उसे 15 दिन के लिए अलग रखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।